एवन पंजाबी ते एवन न्यूज़ विच आप सब का स्वागत करते हैं। सरहद के उस पार जाने पाकिस्तान से जिथे कि पाकिस्तान का पहला सिख अज कैमरे के सामने रो रहा है और पाकिस्तान दे विच सिखां दे नाल जो बेअदबियां हुंदियां ने दोस्तों मैं बयान नहीं कर सकता। पगड़ी की बेअदबी हुंदी है, केस की बेअदबी हुंदी है, दाढ़ी की बेअदबी हुंदी है, मैं की गुणावां जदों ये खबर मैं सर्च कर रहा थे सचमुच बहुत दुख महसूस कर रहा सी कि वह पहला सिख जिहड़ा कि गुरद्वारा साहब दे विच ही रह रहा है अपने तीन बच्चों के नाल अपनी घरवाली दे नाल उसनू इस करके घरों बाहर कढ दिता है कि वह एक सिख है, उसनू घरों बाहर कढ दिता है। पहला उस सिख वीर की पूरी दर्द कहानी सुनते हैं, उसने आप की कहा, परिवार के नाल की कहा, और उस तो बाद सिख जथेबंदियां आईया जी मीडिया के सामने, तो उन्होंने कहा कि जे इस तरह ही पाकिस्तान दे विच हुंदी रही और उसका फिर सानू मूँह तोड़ जवाब देना आता है। और उन्होंने भी कहा कि असी भारत सरकार को बेनती करांगे और खास करके पाकिस्तान की सरकार दे कोल भी अपनी बेनती भेजांगे ताकि जो ये हो रहा ये होना बंद होना चाहिदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास गुलाब सिंह शहीद ट्रैफिक वार्डन, पाकिस्तान का पहला सिख पुलिस अफसर हूँ मैं। मेरे ना यह सलूक किया गया कि जेडे डाकू चोरों ना किया जा रहा है, मैंने मेरे घर को कसीट के कटाया गया तो मेरे घर में ताले ला दिए गए हैं। तारक वजीर जो कि एडिशनल सैकटरी वकाफ है, तारा सिंह जो कि एक्स प्रेस पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान है, उन्होंने कुछ बंद खुश करने की खातर यह काम किया गया। अगर मेरे घर मेरे को हाईकोर्ट के सिविल कोर्ट सेशन कोर्ट से मेरे केस भी चल रहे हैं। 240 के ना 16 महल की पूरे जगह हैगी जिससे पूरा पिंड आबाद है। सिर्फ मैनू ही निशाना बना के मेरा घर खाली किया गया। तुम देख रहे हो मेरे सिर से पगड़ी भी नहीं है, मेरी पगड़ी भी खो के लै गए हैं तो मैनू वाले मेरे केस भी फूटे ने उन्होंने। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं थोड़े अगर अपील करता मेरी वो मदद करो, इस वीडियो में भी शेयर करो, पूरी दुनिया में दसो कि पाकिस्तान के सिखा की जुलम की ज्यादा हो रही है। तारक वजीर दो बंद खुश कर रहा, फिर फोर अगर मेरा घर ना खाली किया तो मैं उन्होंने दोनों बंद का ना लवागा, सारे पूरी दुनिया में दसागे वो दो बंदे कौन और की काम कर रहे हैं, किस किस उन्होंने की तबाही मचा उन्हें। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह। पाकिस्तान के पहले सिख पुलिस अफसर सरदार गुलाब सिंह अज घरों जबरन बहर कढ़िया गया, उन्होंने बेइज्जत किया गया। एक अमृतधारी सिख की दस्तार उतारी गई पाकिस्तान पुलिस वालों, क्यों मकसद की सी कि वकाफ बोर्ड के जेडे चीफ ने तारिक अजीज वह चाहते सी कि मैं उन्होंने तो प्रॉपर्टी खाली करावा। गुरु घर की जायदाद होवे उत्थे अगर एक सिख नहीं रह सकता तो होर कौन रहूगा। सरदार तारा सिंह जी प्रधान साहब, मैं आप जी पूछना चाहना है, वकाफ बोर्ड साढ़े गुरु घर दी जायदादां वेचदा पिया, सानू सुप्रीम कोर्ट च जाके उहदे खिलाफ स्टे लेना पै रहा, और दूजे पास एक सिख परिवार दे उहदे तीन बच्चों उन्हां दी धर्म पत्नी नू जलील करके घरां चों घसीड़ के पुलिस बाहर कढ़दी आ, और वह खुद अपने मुंह बयान कर रहे ने अपनी वीडियो के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर सिख जिहड़े ने महफूज नहीं। अज असीं पुछना चाहुंदे आ पाकिस्तान की सरकार नू, उतों के वजीरे आला वजीरे आजम नू, क्यों तुसीं इन्नियां जाजतां तशद्दतां करदे पए जे मनोरिटीज़ दे नाल, अपने गुरु घर चो सिखां नू जबरन बाहर कढ़िया जा रहा है। इस तो वड्डी दुख की गल नहीं हो सकती। असीं हाई कमिशन नू भी अप्रोच करांगे और पाकिस्तान की सरकार नू भी केंद्र दी दिल्ली की सरकार के माध्यम तो अप्रोच करांगे, केंद्र की सरकार के माध्यम तो, और ये यकीनी बनावांगे वापस उन्होंने घर के अंदर ले जाया जाए, और जिन्हां अफसरां ने उन्हां दी दस्तार उतारी आ, जिन्हां अफसरां ने उन्हां दी दस्तार ते कार्रवाई उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने उन्हां दी दस्तार नूं हाथ पाया है और एक अमृतधारी की दस्तार उतारी आ, उन्हां दे उत्ते बनदी कानूनी कार्रवाई और मुकदमा भी कायम किया जाए। यह भी असीं उत्थों दी सरकार नाल राबता कायम करके यकीनी बनावांगे। बिल्कुल जी, बंद होना चाहिए जदों कोई साडी दस्तार दे नाल, और दस्तार यह भी दस्सिया वीर ने कि वह मेरी दस्तार नूं अपने नाल ही लै गए ने, लेकिन मुस्लिम बरादरी ने सोचना चाहिए कि मतलब इस तरह दियां हरकतां करन दे नाल लोकां दे दिलां विच गुस्सा वधदा है, और गुस्सा वधेगा तो फिर चारे पासे जड़ा है वह माहौल भी खराब हो सकता है।